हेलो फ्रेंड्स, न्यू मूवी में फिर से एक बार और स्वागत करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट दीपक। चलिए आज का हम रिव्यू शुरू करते हैं और मैं बताता हूँ कि आज का कंटेंट का क्या नाम है। तो ये कंटेंट का नाम है नवंबर स्टोरी और ये एक्सक्लूसिव आपको हॉटस्टार पे मिल जाएगा। इसका डायरेक्टर कौन है? इंदर सुपरमान्यम। और इसका आईएमडीबी रेटिंग कितना है? 8.5 out of 10। और ठीक है, और ये एक सीजन में अवेलेबल है और एक सीजन में कितना एपिसोड है? 7 एपिसोड है। और 7 एपिसोड का रनिंग टाइम कितना है, मतलब एक एपिसोड का रनिंग टाइम है आपको 30 से लेकर 50 मिनट तक। ठीक है, कंट्री ऑफ ओरिजिन डेफिनेटली इंडिया, स्पोकन लैंग्वेज तमिल हिंदी एंड विद सबटाइटल, मतलब ओरिजिनल आपको तमिल में है आपको, और हिंदी आपको हिंदी विद डब में मिल जाएगा, विद इंग्लिश सबटाइटल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका साउंड क्वालिटी क्या है, डिजिटल डॉल्बी पिक्चर क्वालिटी फुल HD एंड 4K में अवेलेबल है, तो आप बहुत ही कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं। और इसका आपको क्या मिल जाएगा, जेनरस। तो इसका जेनरस है एक्शन ड्रामा थ्रिल मिस्ट्री से भरपूर है। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं फटाफट आप लोगों को क्या बता देता हूँ। तो पेरेंट गाइडलाइन में ये है कि आपको प्रोहिबिटेड सीन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको स्मोकिंग ड्रग्स एंड इंटेंस फाइटिंग थोड़ा मोड़ा है, बट वायलेंस कूट कूट के है, मतलब कि काट पीट खून खराबा से भरपूर है। यदि आपको ये पसंद नहीं है तो ये वेब सीरीज आप नहीं देखिएगा, और पसंद है तो कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो ये थे हमारे पेरेंट गाइडलाइन। अब चलिए फ्रेंड्स, इसका मैं फटाफट आप लोग को क्या बता देता हूँ टॉप कास्ट। जो हमारे पहले टॉप कास्ट उनका नाम है तमन्ना एज ए अनुराधा, जो हमारे दूसरे टॉप कास्ट उनका नाम है डीएम कुमार एज ए गणेशन। तो ये रहे हमारे दो मेन टॉप कास्ट, यही हमारे दो मेन टॉप कास्ट है, स्टोरी इसी पे गोल गोल घूमता है। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं क्या बताना चाहता हूँ आप लोग को कि ये वेब सीरीज क्यों देखना चाहिए और क्यों नहीं देखना चाहिए। तो पहले क्यों देखना चाहिए, पहला बात कि ये पूरा आपको डिफरेंट है, जो आजकल पुलिस पे आ रहा है, सस्पेंस पे आ रहा है, क्राइम पे आ रहा है, उस बेस पे नहीं है। आपको थोड़ा डॉक्टरी का फील्ड मिल जाएगा, थोड़ा पागलपन का एक्टिंग मिल जाएगा, थोड़ा साइको जैसा मिल जाएगा, तो ये डिफरेंट है। ठीक है, और इसका स्क्रिप्टिंग अच्छा है, आप इसमें कभी बोर नहीं होंगे, बहुत पकड़ के रखा है आपको। बैक टू बैक इसका जो एपिसोड सब देखिएगा तो लगेगा पकड़ लेगा, ओके ये खत्म हुआ तो इसमें ऐसा होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा वेब सीरीज है, आपको इसलिए ये देखना चाहिए। और क्यों नहीं देखना चाहिए, यदि आपको खून खराबा नहीं पसंद है और आपको डिफरेंट लैंग्वेज का डब्ड में मिल रहा है कंटेंट, इसलिए नहीं देखना चाहिए। यदि पसंद नहीं है डब्ड कंटेंट देखना तो बिल्कुल मत देखिए, खून खराबा नहीं पसंद है तो बिल्कुल नहीं देखिए। कहीं कहीं किसी को बोर लग सकता है और इसको बहुत ध्यान से देखना होगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा देखिएगा फिर इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होगा, तो आपको ये वेब सीरीज बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो आप प्लीज इसको शुरू से अंत तक देखिएगा तो ही समझ में आएगा। तो ये रहे हमारा क्यों देखना चाहिए और क्यों नहीं देखना चाहिए। और मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि 74% विदाउट सब्सक्राइब करके लोग देख रहे हैं, तो प्लीज सर लोग मैडम लोग आप लोग प्लीज क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को टिंग कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे रिव्यू का कॉन्टेंट मिस ना हो पाए। मैं अपने चैनल पे इसी तरह का लाता रहता हूँ, और आप मेरा प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए अब हम लोग क्या बताते हैं, स्टोरी लाइन मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है कि इसमें एक फैमिली रहता है, एक फैमिली में क्या रहता है, एक बूढ़ा बाप रहता है जो कि उसको एक बीमारी रहता है, क्या चीज का, भूलने का। ठीक है, और वो जब पहले बीमारी से अच्छा था तो वो एक नॉवल लिखा था, किस पे, क्राइम बेस्ड नॉवल लिखा था। ठीक है, तो वो एक फैमिली में वो डैडी रहता है और एक उसकी बेटी रहती है, तो ये दोनों बहुत हंसी खुशी रहते हैं। तभी क्या होता है, अचानक से एक दिन एक रूम में, उसी फैमिली के एक रूम में मर्डर हो जाता है। अब भाई मर्डर हो जाता है तो उसके डैडी पे एलिगेशन लगेगा, नहीं तो बेटी पे लगेगा, तो बेटी एकदम परफेक्ट रहती है। लेकिन कुछ समय के बाद उसका जो डैडी, बूढ़े डैडी रहते हैं, वो पागलपन का, मतलब भूलने का बीमारी कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो सब कोई को शक होता है कि यही मारे हैं। और जो बुक लिखे रहते हैं उनके डैडी, सेम उसी तरह का मर्डर होता है। अब मर्डर करने के बाद क्या होता है कि एक लेडीज का मर्डर हो जाता है और उसके ऊपर पूरा पेंट छीट दिया जाता है, और एक
गुप्त रहस्यमय जो मर्डर वीपन रहता है वो बहुत खतरनाक रहता। जब पुलिस आता है और बोलता है कि आपके घर में मर्डर हुआ है और जो मरने वाला उसके ऊपर पूरा पेंट डाला हुआ है कि एविडेंस को छुपा दिया जाए, तो ये बहुत खतरनाक है। इसमें आपको बैक टू बैक आपको सस्पेंस खुलेगा, ड्रामा से भरपूर, मिस्ट्री से भरपूर है। तो आपको पता लगाना होगा देख के कि ये मर्डर कौन करता है। ठीक है, उसके डैडी मारे रहते हैं कि उसकी बेटी मारी रहती है, मगर मारे रहते हैं कोई ना कोई जरूर। तो आप ये देखिए, और आप फिर पुलिस लोग भी आता है, वही सब इधर उधर थोड़ा और चल बढ़ जाता है स्टोरी लाइन में। तो ले देखिए, राउंड एंड राउंड इन्वेस्टिगेशन पे चलेगा, मगर बहुत मस्त है, आप बहुत खो जाइएगा। तो देखिए और मेरे को कमेंट करके बताइए, यदि अच्छा लगता है तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। See you, ta-ta, bye-bye, enjoy!